करने आपके क्लास 12th के अल्टरनेटिंग करंट के चौथे लेक्चर में आज आ चुके हैं। अल्टरनेटिंग करंट के चौथे लेक्चर में हम लोग आज बात क्या करने वाले हैं वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो फटाफट से जाकर के पिछला लेक्चर कंप्लीट कर लें ताकि आगे की चीजें आपके लिए आसान हो सके। तो बच्चों देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी वोल्टता और करंट के बारे में बात करें, और वोल्टता का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। और अगर मैं यही बात करूं करंट के बारे में तो करंट का जो जनरल इक्वेशन होता है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी बच्चों होता है, याद आ रहा है। ये दोनों इक्वेशन को अगर किसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो इसको हम जब किसी फंक्शन के रूप में दिखाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की जब बात आएगी बच्चों तो ये होगा एक वोल्टेज का फंक्शन। ये देखिए, ये एक वोल्टेज का फंक्शन है जहां पर ये बता रहा है कि जीरो से बढ़ रहा है टाइम के साथ, और एक बार ये मैक्सिमम हुआ, ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम दिखाता है और मैक्सिमम मिनिमम करके ये अपना वेरिएशन करता रहा। तो इस तरीके के हम ग्राफ को बताते हैं फंक्शनल ग्राफ। अब इसी तरीके से इसी ग्राफ पर अगर मैं आई को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो आई जो है वो वोल्टेज के इक्वल तो होता नहीं है, तो इसका जो कर्व होगा वो कुछ उसके एक्सिस से थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा रखती है और करंट की मैक्सिमम वैल्यू उसके इक्वल तो होगी नहीं, तो उससे कम होती है और वो इस तरीके से चल रही है। इस तब की बात है जब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की देखिए कलाएं समान है। ऐसे केस में अगर मैं इसी को समान कला को अगर फेजर डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूं तो फेजर डायग्राम में ये आपका हो गया मान लीजिए वोल्टेज कर्व, एक वोल्टेज कर्व को फॉलो कर रहा है, और अगर करंट को रिप्रेजेंट करने की बात आई तो करंट भी इसी एक्सिस को फॉलो कर रहा है। तो वोल्टेज और करंट अगर एक ही एक्सिस को फॉलो करेगा, मतलब कि अगर दोनों में कोई कला में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, सेम है, तो दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। तो इस तरीके के ग्राफ को हम कहते हैं बेसिकली फेजर ग्राफ, ठीक है। तो फेजर ग्राफ आपको इसके बीच में डिफरेंस समझने में हेल्प करेगा, और ये आपका फंक्शनल ग्राफ आपके रिप्रेजेंटेशन को बताता है कि दोनों का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा आपके स्कोप पर। तो ये हो गया आपका फंक्शनल कर्व, फंक्शनल ग्राफ। लीजिए ये दोनों ग्राफ तैयार है। अब यहां से अगर मैं थोड़ा डिफरेंट देखने की कोशिश करूं तो ये तो मैंने एक केस देख लिया, दूसरे केस में अगर मैं बात करूं तो ये आपका बता रहा है मान लीजिए वोल्टेज का ग्राफ, और ये हो गया आपका मान लीजिए ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक। ये क्या बताता है, ये बताता है कि इन दोनों के बीच में फेज सेम नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसका फेज अधिक है, इसका फेज ओमेगा टी माइनस टर्म कम है। कितना कम है, पाई फेज कम है, किसमें, करंट में। इसको रिप्रेजेंट करने की बात अगर आती है तो इसको रिप्रेजेंट आप सबसे पहले वोल्टेज वाले कर्व को पहले बना लीजिए। हमें देखने को मिला कि करंट पीछे है, करंट पीछे का मतलब होता है कि आप इसको यहां से दिखा सकते हैं, जब ये मैक्सिमम हुआ तो उस समय ये मैक्सिमम नहीं हुआ था कि बाद में मैक्सिमम हुआ, ठीक। जब ये मिनिमम हुआ तो इस समय ये मिनिमम नहीं हुआ था, ये बाद में मिनिमम हुआ। जब ये मैक्सिमम हुआ तो इस समय ये नहीं हुआ था, ये बाद में मैक्सिमम हुआ, और फिर जब ये मिनिमम हुआ तो ये बाद में मिनिमम हुआ। ये कौन है, कौन, ये है बच्चों आपका करंट और ये है आपका वोल्टेज। ये है आपका डायग्राम आपके फेजर एक्सिस पर कैसा होगा वो भी देख लेते हैं। तो फेजर एक्सिस पर दिखाने के लिए सबसे पहले वोल्टेज को प्लॉट कर लीजिए। ये वोल्टेज हो गया किसका, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब करंट को प्लॉट करना है, करंट आपका फेजर डायग्राम पर नीचे की ओर होगा, कितना नीचे होगा, फाइ फेज डिफरेंस पर नीचे होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, फाइ। ऐसे ही अगर मुझे दिखाना होगा प्लस का तो प्लस वाले एक्सिस में कैसा होगा, प्लस वाले एक्सिस के लिए भी एक बार देख लीजिए बच्चों। प्लस वाले के लिए आपका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आप वोल्टेज वाला पहले कर्व बना लेंगे,
और इस पर आपका जो कर्व होगा, एक बार ध्यान दीजिएगा ये पहले ही मैक्सिमम हो गया ठीक। अब फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा इसके पहले ये मैक्सिमम हो गया, फिर इसके इसके पहले ये मिनिमम हो गया, ध्यान दीजिएगा ये मिनिमम हो गया, इसके पहले ये मैक्सिमम हो गया, फिर इसके पहले ये मिनिमम हुआ, इसके पहले ये मैक्सिमम हुआ, कुछ इस तरीके से कर्व जो है आपका प्लॉट होता है। किसमें? अगर i की वैल्यू प्लस में यहाँ पे होती तो ऐसे केस में आपका जो कर्व होगा वो टाइम और वोल्टेज करंट को इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। इसका आपका फेजर डायग्राम दिखाना हो तो वोल्टेज पहले प्लॉट कर लीजिए, करंट जो है आपका कहाँ होगा, ऊपर होगा, कितने फेज से, फाई से, ये करंट का जो है फेजर डायग्राम है ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा प्लॉटिंग चलेगी। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी मल्टीपल डिवाइसेस हैं हमारे पास जो हम ऑल्टरनेटिंग करंट में या ऑल्टरनेटिंग सर्किट में यूज कर सकते हैं, उसे अब करेंगे, ये देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा ऑल्टरनेटिंग सर्किट में मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ में पहला जो कि है यदि केवल प्रतिरोध लेकर के हम चले तो केवल प्रतिरोध हो हमारे पास तो ऐसा क्या होगा। केवल प्रतिरोध के केस में अगर हमारे पास कोई इस तरीके से ये सर्किट है लीजिए, ये सर्किट हो गया, यहां पर आपने कोई रेजिस्टेंस लीजिए कनेक्ट कर दिया ठीक है ना, ये कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस, ये आपका कोई एसी का सिंबल है, एसी का सोर्स है, ये एसी का सिंबल ऐसा होता है जो आपके वेव के फॉर्म में आपने दिखाई दे रहा है, ये एसी सोर्स है बच्चों। एसी में आपने क्या अप्लाई किया होगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ही अप्लाई किया होगा ठीक। और ये कोई रेजिस्टेंस है, जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो इसमें करंट विड्रॉ होगा, तो आइए चेक करते हैं ठीक है। तो परिपथ में जो धारा आएगी वो वोल्टेज की वजह से कितनी आएगी, पहले तो परिपथ में वोल्टता लिख लीजिए, तो परिपथ में जो वोल्टता होगी वो होगी V is equal to V naught sin omega t लीजिए, ये हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो रेजिस्टेंस को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ओम ने इंट्रोड्यूस किया था ठीक है। तो ओम के अनुसार बच्चों क्या हो जाएगा, दिस इज वी इज इक्वल टू आई आर ठीक, वी इज इक्वल टू आई आर, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। यहां से आपको अगर आई की वैल्यू निकालनी होगी तो वी बाई आर, वी की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी है ही ठीक, और यहां पर आपने आर से डिवाइड कर दिया, फाइनली जो हो गया वी नॉट बाई आर एक साथ लिखा जा सकता है और साथ में आप लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। इस वाले पूरे टर्म को आप जरा पहचानिए, इस वाले पूरे टर्म को आप कह सकते हैं करंट, क्योंकि करंट इज इक्वल टू यहाँ पे करंट आ सकता है ठीक। तो अगर हम इसको तुलना करेंगे मानक समीकरण से तो फॉर्मूला पाएंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आई नॉट है, जहां आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर आपने पाया, जहां पे ये शिखर मान होगा करंट का ठीक। तो आपने क्या पाया, आपने पाया कि आपको जो नया करंट मिलेगा वो वोल्टेज के बराबर होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो नया करंट है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगा, तो जब भी इसकी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस के वजह से, जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू एक से ज्यादा ही होगी डिवाइड करेंगे तो करंट की वैल्यू हमेशा वोल्टेज की पीक वैल्यू से कम आएगी, तो ये पीक वैल्यू डिसाइड होगी करंट की किसके आधार पर, वोल्टेज के आधार पर ठीक। तो यहां से आपको पता चला कि इसकी कला मतलब इक्वेशन नंबर टू ठीक, और इसकी कला मतलब इक्वेशन नंबर वन, दोनों में आपने क्या देखा कि समानताएं हैं मतलब सेम है, बस अंतर है पीक वैल्यू के। तो अतः आप कह सकते हैं कि समीकरण एक व दो से कला क्या है, समान है, किसके किसके बीच में, वोल्टता और धारा के बीच में कला समान है। अब अगर कला समान है तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है वो साथ साथ चलेंगे, तो साथ साथ का डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले वोल्टेज का डायग्राम
कुछ इस तरीके से होगा, फिर उसके साथ करंट कुछ इस तरीके से उसको फॉलो करता हुआ चल रहा है। ये हो गया हमारा वोल्टेज और करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शनल कर्व। अगर इसी का फेजर डायग्राम बनाए तो ऐसे केस में आपका जो वोल्टेज होगा, ठीक है, और करंट दोनों साथ में चल रहे हैं, ओमेगा टी दोनों साथ में चल रहे हैं, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ में इस तरह चल सकते हैं। एक बार ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर वोल्टेज जो है और करंट जो है वो दोनों जब ऑल्टरनेटिंग सर्किट में लगती है तो वो कोई स्पेशल काम नहीं करती, मतलब वैसे ही जैसे आपके डीसी सर्किट में काम करता है वैसे ही इसका करंट एसी सर्किट में भी रेजिस्टेंस के लिए परफॉर्म करेगा। ज्यादा कोई चेंज आपको देखने को मिला ही नहीं। तो ये सिंपल से ऑल्टरनेटिंग सर्किट के लिए हमने डायग्राम और प्लॉटिंग समझ ली है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडक्टर के लिए। इंडक्टर का मतलब होता है प्रेरण कुंडली, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो चोक वगैरह होते हैं ना, उस केसेस में क्या होंगे आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हम इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग सर्किट के सारे प्लॉट बनाते जाएंगे। अभी हमने पहला प्लॉट देखा जिसमें हमें पता चला कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज लैग देखने को नहीं मिला, मतलब दोनों समान कला में थे रेजिस्टेंस के केस में। अब हम इंडक्टर के केस में थोड़ा बात कर लेते हैं। यदि परिपथ में प्रेरण कुंडली हो, ठीक है, केवल प्रेरण कुंडली होने का मतलब क्या है, तो ऐसे केस में आपको फिर से सर्किट डायग्राम प्लॉट करना होगा। ये आपका है अल्टरनेटिंग सर्किट, ये है आपका ऑफ कोर्स कॉइल, और ला करके इसको जोड़ लिया, ठीक। ये है आपका V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी सप्लाई, और यहां पर ये हो गया L, ठीक। तो ऐसे केस में ये हो गया L, ये हो गया सप्लाई। अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज भी है तो इसमें करंट तो इंड्यूस होगा, तो चेक करेंगे कि जो करंट इसमें आएगा वो कितना चेंज देगा वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, कैसा चेंज देखने को मिलेगा। आइए, सिंस हम जानते हैं कि परिपथ में वोल्टता क्या होगी, तो परिपथ में वोल्टता तो हमने ही लगाई है तो हमें पता है कितना होगा, वो होगा बच्चों वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये बात समझ आई, ये V नॉट साइन ओमेगा टी तो हमारे लगाया गया वोल्टेज है और ये फंक्शन के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। सिंस हम जानते हैं कि इसमें भी वोल्टेज आएगा, ठीक, और इसमें जो वोल्टेज आएगा वो होगा वी एल, ठीक। तो हम यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं, परिपथ में किरचॉफ का नियम लगा दीजिए, किरचॉफ के अनुसार। तो किरचॉफ बाबा क्या बताते हैं, हम बताते हैं V प्लस VL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। इस सर्किट में कहीं रेजिस्टेंस तो हमें नहीं दिख रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, तो सारे वोल्टेज का सम इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ दिखता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे I इंटू R लिखते हैं, याद आया। तो टोटल वोल्टेज, एक ये वोल्टेज है, एक ये वोल्टेज, दोनों वोल्टेज इसमें इंड्यूस्ड है, EMF है। VL इसलिए लिखे क्योंकि L के सिरो के बीच में आएगा, ठीक है, EMF। तो यहाँ V लिखा, और आपको शायद याद होगा कि इसकी वैल्यू L होता है di by dt। नहीं याद आ रहा है तो इसके पिछले वाले चैप्टर में जाकर देख लीजिए कि हमें E is equal to बताया था di by dt is equal to क्या हो गया जीरो। यहाँ से आपने लिख दिया L di by dt। अगेन V के जगह पे V की वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा, V not साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी आई बाई डी टी, ठीक। और साथ में एल है तो एल को इधर भेजेंगे तो एल क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो वी का वैल्यू रखा एल से डिवाइड किया, बात समझ में आ रही है ना। तो आगे बढ़ा जाए, यहां पर वी नॉट बाई एल सिंपली और डी आई बाई डी टी, तो यहाँ डी आई बाई डी टी के वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा इनटू डीटी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे डी आई है, हमें करंट निकालना है, छोटे करंट की वैल्यू पता है, तो टोटल करंट कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन करने पर क्या होगा बच्चों, समाकलन करने पर ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आपका वी नॉट बाई एल,
और साथ में साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे ना बच्चों, तो आता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। याद रखिएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक, ये आता है इसका, ठीक, साइन ओमेगा टी का। तो आपने लिखा माइनस जो आएगा वो पहले लिख देते हैं और कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में साइन का ही होना था, ठीक, क्योंकि साइन में ओमेगा टी था और टाइम के रिस्पेक्ट में करना था, और यहाँ डी आई का आई हो गया। अब जो चीजें बाहर हो सकती है उनको बाहर कर लीजिए ऐसे करके ओमेगा एल के फॉर्म में, और थोड़ा इसको पहचानिए, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको हम मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 है ये पाई बाई टू 90 है माइनस थीटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वापस कॉस थीटा आता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो एंगल है वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो फाइनली बच्चों ये होने वाला है आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल और साइन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। थोड़ा पहचानिए कि ये इक्वेशन जो है आपने साइन के फॉर्म में बना लिया है और साइन के फॉर्म में वोल्टेज का इक्वेशन दोनों काफी हद तक सिमिलर हो गए। अब कंपैरिजन करना ज्यादा आसान होता है जब तक कि दोनों साइन ना हो जाए। अभी साइन में आप देख पा रहे हो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इस साइन में देख पा रहे हो साइन ओमेगा टी, मतलब दोनों के बीच में कोई फेज में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये जब ओमेगा टी होगा तो इस समय ये पाई बाई टू पर होगा, ठीक है, माइनस के साथ माइनस पाई बाई टू ओमेगा टी के साथ। अब जब ये जीरो होगा तो उस समय उसका वैल्यू पाई बाई टू होगा। ऐसे केस में ये कह सकते हैं कि ये पीछे चल रहा है, किससे, इससे, माइनस है ना, पीछे चल रहा है। तो यहां पर तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना करने पर, तो मानक समीकरण से तुलना कर दीजिए बच्चों, तो तुलना करने पर ये आपको क्या मिला, ये मिला वी नॉट बाई ओमेगा एल मिला क्या I नॉट, और यहाँ पे आपको याद होगा यहाँ V नॉट बाई R हुआ करता था इसके पहले वाले में, तो R के जगह पे कौन देखने को मिला, रेजिस्टेंस की जगह पे कौन देखने को मिला, ओमेगा L, जहां जहां आपका ये ओमेगा L एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये वैद्युत प्रतिरोध तो नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे वैद्युत प्रतिरोध लगा ही नहीं है, तो इस तरीके के प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं एक्स सफिक्स में छोटा सा एल, तो इसको कर लीजिए आप राउंड ऑफ, ये कहलाता है प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण के वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, तो ये है आपका प्रेरण प्रतिघात, ये भी रेजिस्टेंस ही है बच्चों, लेकिन ये रेजिस्टेंस वैद्युत प्रतिरोध नहीं बल्कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिससे वो रेजिस्ट कर रहा है किसको, करंट को। अब ये रेजिस्टेंस के वजह से, क्योंकि ओमेगा का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, अब ये हमें रेजिस्टेंस मिल गया क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसकी यूनिट जो होगी वो होगी ओम, ठीक, इसकी यूनिट ओम ही होगी, कुछ अलग नहीं होगा। आगे बढ़े थे तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते रहिएगा क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत है। यहां एक्सल एक्सल इज इक्वल टू ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ लिख सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं एल। तो लीजिए एक्सल का एक और फॉर्मूला निकल आया। हम जानते हैं कि एल क्या है, कुंडली का इंडक्टेंस है, मतलब प्रेरकत्व। तो एल अगर नियत होगा तो एक्सल की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, केवल फ्रीक्वेंसी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं एल तो नियत होता ही है, ठीक, तो ऐसे केस में एक्सल जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, एफ के। ये लीजिए एक्सएल प्रोपोर्शनल हुआ एफ के। अब यहां पर अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें एक्सएल और एफ के लिए, तो ऐसे केस में इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से सरल रेखा बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस भी जो है वो बढ़ेगा, प्रेरण प्रतिघात भी बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात के बाद थोड़ा सा कला के बारे में बात कर ली जाए, ठीक है। तो समीकरण एक वो था और समीकरण दो बच्चों ये है, ठीक। तो समीकरण एक तथा दो से
इनके बीच में कला में कितना डिफरेंस है, से कलांतर जो है वो है पाई बाई टू। कौन आगे है, वोल्टेज आगे था, करंट क्या पीछे है क्योंकि माइनस पाई बाई टू है, ठीक है, से कलांतर पाई बाई टू, ठीक है, कलांतर पाई बाई टू है, जहां वोल्टता धारा से पाई बाई टू क्या है, अग्रगामी है, आगे है, फॉरवर्ड है, अग्रगामी है। ध्यान दिया, अब थोड़ा सा इसका हम लोग क्या बना लिया जाए बच्चों, इसका डायग्राम थोड़ा प्लॉट किया जाए, कैसा होगा इसका डायग्राम, आइए फटाफट से इसका डायग्राम प्लॉट करिए। इसी के नीचे आपका जो डायग्राम होगा वो होगा पहला, अगर हम बनाए इसका फलन तथा फेजर ग्राफ तो कैसा होगा, आइए देखिए। पहले तो वोल्टेज का कर्व आपका फिक्स होता है, याद है ना, और इसमें कौन आगे पाया गया, वोल्टेज किससे, करंट से। तो ऐसे केस में जब आपका ये जीरो था उस समय वो पीछे था, तो लीजिए ये कुछ इस तरीके का, जब ये मैक्सिमम हुआ तो ये जीरो हुआ, कौन, करंट, फिर जब ये जीरो हुआ तो ये मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, ये जीरो हुआ, ये कुछ इस तरीके से कर खींचा जाएगा, ये करंट का, ये वोल्टेज का, ओके, टाइम के रिलेटिवली। इस तरीके से इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो वोल्टेज को पहले फिक्स करिए, ये वोल्टेज फिक्स हुआ, और अगर मुझे करंट बनाना होगा तो करंट कहां है, पीछे है, तो ऐसे केस में अगर आपका करंट पीछे है तो पीछे को कैसे दिखाते हैं, पीछे को दिखाने के लिए एक काम करिए, पहले तो आप करंट को फिक्स कर लीजिए इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर करंट फिक्स कर लिया, वोल्टेज को पीछे दिखाना है, ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज को, करंट आपका यहां पर है, करंट पीछे है किससे, वोल्टेज से, तो वोल्टेज से पीछे है तो वोल्टेज को आप दिखा देंगे यहां पर, तो ये हो गया रियल वोल्टेज, मतलब एल के सर्किट में वोल्टेज, वोल्टेज आगे करंट पीछे, कितना पीछे, 90 डिग्री पीछे, पाई बाय 2 से पीछे चल रहा है, तो वोल्टेज आगे करंट पीछे, दोनों डायग्राम क्लियर है, वोल्टेज आगे करंट पीछे, एक वोल्टेज आगे करंट पीछे, दोनों डायग्राम क्लियर है। इस डायग्राम का अस्तित्व आपको आगे आने वाले टॉपिक में धीरे धीरे क्लियर होगा। तो बच्चों आज हमने क्या क्या चीजें जानी, तो आज हमने जाना रेजिस्टेंस सर्किट और देखा इंडक्टर सर्किट, इन दोनों सर्किट में क्या जानने को मिला, रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं है और इंडक्टेंस वाले सर्किट में आपको फेज डिफरेंस देखने को मिला है। तब आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में आगे सर्किट के बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, नोट करिए, चीजें समझिए, प्रॉब्लम हुई तो शेयर करिए।